हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजपाल सिंह और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल द अमेजिंग में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आई ड्रॉपर टूल के बारे में कि किस तरीके से आप आई ड्रॉपर टूल को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से आप फोटोशॉप से बाहर जा कर के भी किसी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं आई ड्रॉपर टूल से। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और किन किन टूल्स में आप कलर हैकिंग कर सकते हो आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए उस टूल को यूज़ लेते हुए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए बताता हूँ कि किस तरीके से आई ड्रॉपर टूल को यूज़ करना है और हैक करना है। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ एक फाइल जो है वो बना रखी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आई ड्रॉपर टूल यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसका जो शॉर्टकट होता है वो आई होता है दोस्तों, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमें यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करना है, हम यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप कलर जो है वो चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से स्वेचेस जो हैं, स्वेचेस से भी आप यहाँ से कलर जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ कलर चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, आउटसाइड बाहर से है, फोटोशॉप के बाहर जा कर के कलर को कैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको फोटोशॉप की जो विंडो है दोस्तों, उसको थोड़ा सा यूं छोटा कर लेना है और इस तरीके से, और आई ड्रॉपर टूल को क्लिक करते हुए माउस का बाहर ले जाना है फोटोशॉप से। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से कलर चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ देखते रहिए, यहाँ जो है कलर चेंज हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू पे आया तो ब्लू हो गया, रेड पे गया तो रेड हो गया, ग्रीन पे गया तो ग्रीन हो गया। इस तरीके से दोस्तों आउटसाइड से भी आप कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों फोटोशॉप के आउटसाइड बाहर से जा करके किसी इमेज में से कलर को सिलेक्ट करना। और अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि और दूसरे टूल्स के साथ अगर आपको कलर्स अगर यूज़ करने हैं तो वो कैसे यूज़ करने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है ये ब्रश टूल के साथ यूज होगी। जितने भी ब्रशेज वाले टूल हैं, जैसे डॉस टूल है, बर्न ये ब्लर टूल है, या फिर ब्रश टूल है, स्टैम्प टूल है, इन सब चीज़ों के साथ और टाइपिंग टूल के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ब्रश टूल लिया, अभी मैंने यहाँ से जो है कलर सेलेक्ट करना है, तो आई हम दबा देते हैं कलर सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए, आई से हम जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट हो जाता है। ये देखिए, ब्रश टूल का यूज़ करते हुए, अल्ट का यूज़ करते हुए हम कलर ले सकते हैं आई ड्रॉपर टूल से। तो अल्ट का यूज़ करते हुए हम कलर तो सेलेक्ट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। अगर हम अल्ट और शिफ्ट का यूज़ लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं दोस्तों, तो कलर चूज़ की जो विंडो है वो खुल जाएगी। हमें यहाँ से कलर को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ आना है क्लिक को दबाए रखते हुए राइट क्लिक को, फिर यहाँ से सेचुरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लाइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ से डार्कनेस और सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। जैसे ये कलर सेलेक्ट करना है मुझे, और ये कलर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों, अब मुझे दूसरा कलर सेलेक्ट करना है, तो मैं अल्ट शिफ्ट जो है वो यूज़ करूँगा कीबोर्ड का, और फिर से राइट क्लिक करते हुए यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट करते हुए दूसरा कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से आप कलर को, जो भी मैंने टूल बताए हैं, ब्रश टूल है, स्टैम्प टूल है, इरेजर टूल है, या फिर कलर डोज है, बर्न टूल है, या फिर ब्लर टूल है, या फिर टाइपिंग टूल है। जैसे टाइपिंग टूल को यूज़ लेते हुए हम किस तरीके से कलर को चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है द अमेजिंग, ये देखिए दोस्तों, ये जो कलर था येलो है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं थोड़ा फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो कलर है ये येलो है दोस्तों, और जैसे ही मैंने शिफ्ट अल्ट का यूज़ किया, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, और फिर मैंने जैसे ही यहाँ से यूज किया, मैंने ब्लू को यहाँ से सिलेक्ट किया दोस्तों, और जैसे ही मैंने ओके किया, तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है कलर है वो ब्लू हो गया। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ से दूसरा, जैसे ग्रे कलर मेरे को करना है तो मैंने ग्रे कलर सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ ग्रे कलर सिलेक्ट हो गया, यहाँ भी ग्रे कलर सिलेक्ट हो गया। टाइपिंग टूल में आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है दोस्तों, अगर कलर चेंज करना है तो आप अल्ट शिफ्ट का उपयोग करते हुए, राइट क्लिक करते हुए आप कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कलर मैंने किया, यहाँ से मैंने ओके किया, तो ये देखिए दोस्तों, कलर जो है जो मैंने सेलेक्ट किया था वो चेंज हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कलर चेंज आई ड्रॉपर टूल के बारे में पूरी जो जानकारी है वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें,
और दोस्तों जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको नए वीडियोस, नए टूल्स की ट्रिक्स, फोटोशॉप के नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।